गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबने होमवर्क किया है जो मैंने आप लोगों को बुकलेट का दिया था? गुड, देन आस्क योर डाउट्स। एक्सरसाइज वन में पार्ट वन के अंदर बिल्कुल बिल्कुल A4 में डाउट है। ओके, व्हाट इज कोवेलेंसी? बेटा कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, उस चीज को बोलते हैं कोवेलेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कोई डाउट है? 1, 2, 3 पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन A 1, 2, 3 में कोई डाउट? वन टू थ्री में कोई डाउट? चलिए सबको आ जाने दीजिए, तब तक आप अपने डाउट्स जो हैं उनको मार्क कर लीजिए। So, 1, 2, 3 में कोई डाउट नहीं है पार्ट वन में। ओके, 4 में डाउट है एंड 6 में। लेट्स सी, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 119। ऑल्सो प्रेडिक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड।
आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर 119 का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, देखिए आपके पास एलिमेंट क्या है, 119, आपके पास एलिमेंट है 119। इसका हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सब लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, इसका क्या लिखेंगे, तुम्हारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देन 3d10, आपके पास देन 4p6, देन 5s2, देन आपके पास 4d10, 4 2 6, फिर तुम्हारे पास 5p6, देन 6s2, देन 4f14, 5d10, राइट, ओके 5d10, और उसके बाद तुम्हारे पास 5 2 7 हो गया, तो 7 6 6p6। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, आपके 86 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हो गया। अब बात करते हैं आगे, तो 6p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 7s में, तो 7s2। फिर अब तुम्हारे पास n+l जिनके लिए 8 है, तो उसमें सबसे पहले 5f14, 86 88 प्लस 14 इज 102। अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5 2 7, तो अब तुम्हारे पास 5 6d में, 6d10, तो 100, ये कितने हो गए, 12। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 8 6 2 8, तो 7p में, हाँ 7p के अंदर अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 7p में, तो 7p6। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 86 प्लस 2 88, 88 एंड 14 इज 102, प्लस 10 112, प्लस 6 कितना हो गया, 118। अब 7p6 के बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन 8s1 में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 8s के अंदर। इसका मतलब तुम्हारे पास ये कौन से ग्रुप का सबसे पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन s के अंदर गया, इसका मतलब ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, s ब्लॉक का एलिमेंट है, ओके। और फिर तुम्हारे पास पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द ग्रुप, तो ग्रुप क्या हो गया, 1 वैलेंसी, वैलेंसी हो गई तुम्हारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1। और क्या पूछा है तुम्हारे पास, एंड प्रेडिक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 8s1, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो सब चीजें हो गई, तुम्हारे पास ब्लॉक इसका s ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, तो एक वैलेंसी इसका कितना होता है, 1 हो गया, ठीक है। देन तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट सेल का 8s1 हो गया। अब ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला, तो देखिए एलिमेंट अगर एक्स है तो उसकी वैलेंसी कितनी, 1। फिर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का वैलेंसी इज 2, तो इसके साथ इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X2O, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। समझा क्या बेटा, जिनका A4 डाउट था, क्या करना था आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, श्योर। चलिए अब बात करते हैं A6 का। A6 क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दैट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट शोज एनोमलस बिहेवियर, इलस्ट्रेट विथ 2 एग्जांपल्स। बेटा मैंने आपको डायगोनल रिलेशनशिप बताया है, तृप्ति डायगोनल रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है कि तुम्हारे पास जैसे लिथियम है वो किसके साथ अपनी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ। ऐसे ही जो बेरिलियम है वो कुछ अपनी प्रॉपर्टीज किसके साथ सिमिलरली शो करता है, बोरॉन के साथ। और जो बोरॉन है वो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो किसके साथ शो करता है, आपकी सिलिकॉन के साथ, ठीक है। तो यही तो मैंने आपको बताया था डायगोनल रिलेशनशिप, तो यही बात तो बोल रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, दैट इज एस एंड पी ब्लॉक।
वो तुम्हारे पास कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। वो एनोमलस बिहेवियर तुम्हारे पास कौन सा होता है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप जो है उसी के बारे में बात कर रहा है कि तुम्हारे पास कोई दो एग्जांपल्स बोले थे, हमने तीन एग्जांपल्स दे दिए। ओके श्योर ओके देन अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी। सेक्शन बी शील्डिंग इफेक्ट वाला, जेड इफेक्टिव वाले में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में किसी को डाउट? पक्का सर? पी ब्लॉक का क्या है A6 में? A6 के अंदर ऐसे बेटा बोरोन है ना, बोरोन। बोरोन किसका है आपका? पी ब्लॉक का। ऐसे ही बोल रहा है कि तुम्हारे पास एस और पी ब्लॉक के अंदर कुछ एलिमेंट्स है ना जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो देखो बोरोन एक उसमें एग्जांपल आ गया। एस ब्लॉक के देखो ये तुम्हारे पास एग्जांपल्स किसके हैं, तुम्हारे पास सिर्फ बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ शो करता है ना, एल्यूमिनियम यहां पर। ओके गॉट इट। चलिए सेक्शन बी में किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके दैट्स गुड। चलिए अब एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 सेक्शन ए। पार्ट 2 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर, हाँ सूरज बोलो बोलो सूरज। कोई डाउट है? बी टू में डाउट है। ओके विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर नोन टू शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज इम्प्रॉपरली? डज दिस जनरेट सम इरेगुलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स? यस कौन से लिखवाया है ना कि 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d एंड f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पुअर शील्डिंग की वजह से तुम्हारे पास सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में जो साइज में इंक्रीज होना चाहिए वो इंक्रीज देखने को नहीं मिलता। बराबर है? और ऐसे ही d के इलेक्ट्रॉन्स में, d ऑर्बिटल में भी तुम्हारे पास पुअर शील्डिंग की वजह से उनकी जो साइज है हमको वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है, ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ये चीज बताइए। बोलो। समझ में आया? ओके चलिए अब आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर A1 A2 A3 में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है A1 A2 A3 में? श्योर गुड। चलिए A4 A5 में A4 में डाउट है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये ध्यान रखना। देखो पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम। 6 कॉलम होते हैं क्या तुम्हारे पास? कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल। तो मतलब तुम्हारे पास क्या उसमें 6 ग्रुप्स होते हैं 6 पी ब्लॉक में? बिल्कुल होते हैं, ग्रुप 13 टू लेकर के ग्रुप 18 तक है ना। क्यों? क्योंकि पी जो सबसेल है उसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसमें तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं किसके अंदर? आपके तुम्हारे पी ब्लॉक के अंदर।
इसलिए बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ये हमारा आंसर नहीं है। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आंसर नहीं है क्योंकि इसने पूछा इनकरेक्ट। ओके नेक्स्ट, अब जैसे देखें, डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल। ये तो गलत है। डी सबसेल, डी ब्लॉक के अंदर कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं श्रावणी? कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी सबसेल में? कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। तो उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं? 10। तो देखो तुम्हारे पास इसने लिखा है 8 कॉलम्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब ये हमारा आंसर है। फिर आगे देखें, ईच ब्लॉक कंटेन्स ए नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सबसेल। बोल रहा है कि हर एक ब्लॉक के अंदर तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो किसके बराबर हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ सकते हैं। क्या ऐसा सही है क्या? क्या ये बात सही बोली है? टेल मी कि हर ब्लॉक के अंदर उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसकी सबसेल में। बताइए क्या ये बात सही है? पक्का? बिल्कुल। अब कोई जैसे देखो, एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके अंदर 2 कॉलम होते हैं। देन बी सबसेल में तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके अंदर 10 कॉलम होते हैं। तुम्हारे पास पी सबसेल में तुम्हारे कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 कॉलम होते हैं। लेकिन एफ सबसेल के साथ तो ऐसा नहीं है। एफ सबसेल तो सारे किसके अंदर प्रेजेंट है? एफ सबसेल के सारे किसके अंदर प्रेजेंट है? थर्ड बी ग्रुप के अंदर। बराबर है क्या? किसमें प्रेजेंट है? थर्ड बी ग्रुप के अंदर। तो तुम्हारे पास एफ सबसेल के लिए ऐसा नहीं है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उतने ही ग्रुप हो। क्या ऐसा है? एफ सबसेल के अंदर आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जितने भी एफ सब तुम्हारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट हैं? वो आपके थर्ड बी ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं। हाँ है ना? तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स स्टेटमेंट है ना, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नहीं समझा? अरे भैया ये बताइए, एफ ब्लॉक जो है वो कौन से ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं? प्रणव ये बताओ कौन से ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स? एफ ग्रुप, एफ कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप में है ना? अच्छा, और तुम्हारे पास एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14। तो क्या उसके 14 ग्रुप प्रेजेंट है क्या? नहीं, मतलब वो तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पी एस पी डी, इनके लिए स्टेटमेंट सही है लेकिन एफ के लिए ये स्टेटमेंट गलत है। और इसने लिखा है ईच ब्लॉक, तो ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक भी इंक्लूड होता है, राइट? चलिए नेक्स्ट, जैसे देखो स्टेटमेंट अगला, ईच ब्लॉक कंटेन्स ए नंबर ऑफ कॉलम्स
ओके 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 हाँ नंबर लैंग्वेज थोड़ा देखो, इसने बोला है कॉलम्स, तो कॉलम्स तो बिल्कुल सही बात है, कॉलम्स तो उतने ही है ना, ऐसे कॉलम्स तो उतने ही डिवाइड किए हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये आंसर नहीं है। हाँ, जो लैंग्वेज है वहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसने लिखा है कॉलम्स, ग्रुप्स नहीं लिखा है, इसने कॉलम्स लिखा है, बराबर है कि नहीं? ओके, तो वो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम मिसअंडरस्टूड हो गया। गेटिंग और नॉट, तुम्हारे पास कॉलम्स लिखा है इसने, तो एफ के अंदर भी ऐसे कितने कॉलम्स होते हैं? 14 कॉलम्स होते हैं ना, राइट? तो ये स्टेटमेंट, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं है, राइट? थैंक यू आर्या। नेक्स्ट देखो, डी जो डी ऑप्शन है, द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर द लास्ट सबसेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, तुम्हारे पास तो बिल्कुल सही बात है ये तो। कैसे? अगर एस ब्लॉक है तो तुम्हारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, अगर तो कितना, एल का वैल्यू 0, बराबर है कि नहीं? ऐसे ही तुम्हारे पास पी सबसेल है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन ऑप्शन सी। बेटा मैंने बोला कि हर एक ब्लॉक, इसने स्टेटमेंट जो लिखा है, एक नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सबसेल। तो एफ सबसेल के अंदर भी तुम्हारे पास ध्यान से देखोगे तो ऐसे 14 कॉलम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। डी सबसे एफ पी सबसेल में भी देखोगे तो 6 कॉलम्स होते हैं, ऐसे ही डी सबसेल में देखोगे तो 10 कॉलम है, बिल्कुल सही बात है। इसने ग्रुप नहीं बोला है, मैंने ग्रुप अंडरस्टैंड कर लिया था, इसने ग्रुप नहीं बोला, इसने कॉलम्स बोले हैं, तो कॉलम्स तो 14 ही हैं एफ के अंदर भी, राइट? ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमिथल क्वांटम नंबर एल, तो जैसे कि एस सबसेल है तो एल का वैल्यू 0, तो वो एल का वैल्यू अपने आप इंडिकेट कर रहा है। पी सबसेल है तो एल का वैल्यू 0, बिल्कुल सही है। उसके हिसाब से फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को बिल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी, बी ऑप्शन इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गेटिंग इट और नॉट? थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना है। ओके, एक्सप्लेन फोर, क्वेश्चन नंबर फोर थी तो था ऑप्शन डी। अच्छा, अरे यार देखो, ये देखो तुम, तुम्हारे पास स्टेटमेंट देखो, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब जैसे कि एस पी डी एंड एफ, ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है? तो ब्लॉक्स, एस ब्लॉक अगर तुमको समझ में आए देखने को, तो उसका मतलब एल का वैल्यू क्या है? 0 है ना। अगर पी सबसे पी ब्लॉक समझ में आए तो मतलब एल का वैल्यू ऑफ कोर्स 1 है, और डी अगर ब्लॉक समझ में आए तो मतलब एल का वैल्यू 2 है, तो एजीमिथल क्वांटम नंबर को तो इंडिकेट कर ही रहा है, उसकी वैल्यू को तो डायरेक्टली इंडिकेट कर ही रहा है कि एफ सबसे, मतलब डायरेक्टली एल का वैल्यू 3 ही होगा, ठीक है? और उसके हिसाब से फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, अगर आपको एल का वैल्यू सब पता रहेगा तो आप ऑफ कोर्स बता सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तुम्हारा बिल्ड करने में हेल्प करेगा, करता है कि नहीं एन प्लस एल रूल के हिसाब से? अरे बोलो प्रणव। ओके चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, नहीं चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 और शील्डिंग इफेक्ट वाले क्वेश्चन नंबर B1, इनमें डाउट, इन तीनों में किसी को कोई डाउट? इन तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? टेल मी,
श्योर? A8 में डाउट है बेटा, A8 क्या था? द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स आर कोल्ड। बेटा 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स। तो ऑप्शन इसका जो भी आएगा, लेंथेनाइड्स इसके अंदर दिखाई, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मैंने ऑप्शन कट कर दिया है। सी एंड डी ऑप्शन मैंने नहीं लिया, तो इसके अंदर जो लेंथेनाइड्स है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, A8 में। ओके 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 ओके, A8 कहाँ गया? A4, A5 आ गया, सीधा A9 आ गया, 8 कहाँ भाग गया? A8 कहाँ चला गया भैया? नहीं डाला गया यहाँ पर? जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड, मैं भी करता हूँ, A8 को ऐड करता हूँ। यही वाला ना, A8। ओके देखिए, तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ Ag इज 47। इन द सेम ग्रुप द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड अबव एंड बिलो Ag इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विल बी। बेटा मैजिक नंबर का यूज करिए, यूज मैजिक नंबर। देखो तुम्हारे पास Ag जो है, अब हमें इसका एटॉमिक नंबर पता है 47, तो ये बताओ तुम्हारे पास ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट है Ag के, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है Ag? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका। Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रिप्टॉन, देन आपके पास 4d10, 5s1। तो n इक्वल्स टू 5 मतलब फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो फिफ्थ पीरियड से फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, उसके ऊपर का एलिमेंट और इसके नीचे का एलिमेंट, इन दोनों का एटॉमिक नंबर आपको निकालना है, राइट? तो क्या करते हैं, फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालते हैं, तो कितना ऐड करते हैं? टेल मी कितना ऐड करते हैं? 18, मैजिक नंबर याद करो। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर एक्स है तो एक्स प्लस 18 वो किसके बराबर होना चाहिए? 47 के। तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? 29। मतलब उसके ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना? 29। अब तुम्हारे पास फिफ्थ पीरियड से सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट का
आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक नंबर, तो क्या ऐड करोगे, 32 ऐड करो, तो 32 ऐड करने पर 7 + 2 इज 9, 4 + 3 इज 7, 79, तो उसके ऊपर वाला एलिमेंट 29 एटॉमिक नंबर, इसके नीचे वाला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 79, दैट इज बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। गेटिंग इट और नॉट श्योर? ओके, और किसी को डाउट, इनमें किसी को डाउट है, A6 A7 A8 में? नहीं, गुड। देन तुम्हारे पास A9 और A10 में, यहां पर किसी को डाउट? नहीं है किसी को भी? ओके, देन तुम्हारे पास B2 में किसी को कोई डाउट? B2 में डाउट है? ओके, B2 में डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर जनरली ट्रू रिगार्डिंग जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव के बारे में तुम्हारे पास किसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट, इट इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। ओके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक। इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। अगर आपने, आपको याद हो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं, जेड इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज करता है लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, ऑलमोस्ट बहुत ही कम डिफरेंस है, बराबर है कि नंबर ऑफ सेल्स इलेक्ट्रॉन्स सब कुछ इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जेड इफेक्टिव में जो ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, लेफ्ट से तुम्हारे टॉप से बॉटम आते हैं, तो वो ऑलमोस्ट क्या है, कॉन्स्टेंट। तो बिल्कुल सही है, टॉप से बॉटम जाने पर दोनों स्टेटमेंट सही है। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एज जेड इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज, ये तो गलत है भैया। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सिग्मा का वैल्यू सबके लिए सेम है। अब जैसे जैसे जेड इंक्रीज करेगा तो तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, इसने बोला है डिक्रीज करेगा, यहां पे इसने क्या बोला, डिक्रीजेज, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो तुम्हारे पास बेटा, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव की वैल्यूज को एक बार, लिथियम सोडियम पोटेशियम इनकी वैल्यूज को एक बार खोल के देखो कॉपी में, तुम्हारे पास वैल्यूज में इतना ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला, वैल्यूज में इतना ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है, वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है टॉप से बॉटम जाने पर, थोड़ा वैल्यू पहले से इंक्रीज करता है लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही है ये बात। ओके, और किसी को कोई डाउट है? बोलो। चलिए तो एक काम करो, फिर आज की क्लास में हम लोग, टेस्ट आने वाला है ना, तुम लोग का संडे को टेस्ट है, तो प्रैक्टिस करते हैं, चलिए फिर एक, चलिए आज की क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, आज नया चीज नहीं सीखेंगे हम लोग, क्योंकि तुम्हारा संडे को टेस्ट है ना, तो उसके हिसाब से अभी कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जैसे बताइए, क्वेश्चन लिखिए, सेट रिप्रेजेंटिंग, सेट रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP1 इज, ऑप्शन ए आपको दिया है, तुम्हारे पास पोटेशियम सोडियम लिथियम, ऑप्शन बी आपको दिया है, फटाफट आप सॉल्व करोगे, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी इज बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इज तुम्हारे पास Fe SI एंड कार्बन। बिल्कुल, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे।
बताइए कौन सा तुम्हारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है? जल्दी फटाफट फास्ट। बी बाकी लोग जल्दी, एग्जाम में टाइम कम रहेगा। कौन सा IP1 का मतलब समझ रहे हो? आयनाइजेशन एनर्जी वन। IP1 मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी वन। चलो गुड, सबका एक ही आंसर आया है बी। और बाकी लोगों का किसी का कोई और आंसर नहीं आ रहा? देखो ऑप्शन ए क्या है, पोटेशियम सोडियम लिथियम सब एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सब क्या हैं? एल्कली मेटल्स हैं, और डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, मतलब सबसे ये उल्टा ऑर्डर है, सबसे ज्यादा लिथियम फिर सोडियम फिर पोटेशियम, तो ये गलत दिया है। फिर ऑप्शन सी नाइट्रोजन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, तो जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, और नाइट्रोजन का तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट भी गलत है। FeSi कार्बन बेटा, इनमें तुम्हारे पास देखो Fe कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? तुम्हारे पास डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड, सिलिकॉन इज ऑफ थर्ड पीरियड, देन कार्बन इज ऑफ सेकंड पीरियड, तो तुम्हारे पास डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है, तो सबसे ज्यादा कार्बन देन सिलिकॉन देन आयरन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर इज योर बी। देखो बेटा मांगे कार, तो तुम्हारे पास डाउन द ग्रुप जाने पर इस एल्कलाइन अर्थ मेटल है, साइज क्या, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेड आई इज, ऑप्शन ए मैंने आपको दिया, कैल्शियम 2+ K+ Cl- Sl2-, ऑप्शन बी मैंने आपको दिया K+ Sl2- कैल्शियम 2+ Cl-, ऑप्शन सी मैंने आपको दिया Cl- कैल्शियम 2+ K+ एंड Sl2-, ऑप्शन डी मैंने आपको दिया Sl2- Cl- कैल्शियम 2+ एंड K+। बताइए सॉल्व करिए। बाकी लोगों का ए, 4 लोगों का आंसर आया है अभी, बाकी लोग भाई ऑप्शन ए ए ए ए ए ए ए का लाइन लग गया है। गुड, कोई गलत नहीं कर रहा है। अरे यार किसी का तो डिफरेंट आना चाहिए। बताऊं क्या सब कैसे स्पीशीज हैं? सारे के सारे कैसे स्पीशीज हैं? सब के सब क्या हैं? आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं।
देखो कैल्शियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्लस टू में 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे जेड का वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्या जेड का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा साइज डिक्रीज करेगा, तो सबसे छोटा साइज कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर। तो ये तुम्हारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, कैल्शियम 2+, के प्लस, सी एल माइनस, सल्फर 2-। योर करेक्ट आंसर इज ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, ऑप्शन ए मैंने आपको दिया, IE1 ऑफ एल्यूमिनियम लेस देन IE1 ऑफ मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आपके सामने है तुम्हारे पास, IE1 ऑफ Na ग्रेटर देन IE1 ऑफ, सॉरी ये तुम्हारा उल्टा, देन ऑप्शन सी आपके पास है, IE2 ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन तुम्हारे पास IE2 ऑफ सोडियम, ऑप्शन डी है आपके पास, IE3 ऑफ मैग्नीशियम ग्रेटर देन IE3 ऑफ एल्यूमिनियम। बताइए बेटा, ऑप्शन वी कौन सा है, वी ऑप्शन कौन सा है भैया, हाँ मैंने वैल्यूज लर्न करने के लिए नहीं बोला, बिल्कुल सही बात है, मैंने कहाँ बोला, हाउ टू डू, दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। क्या मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज लिखवाई थी, आपको फर्स्ट सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज नहीं लिखवाई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखो कि किस कहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है कि कहां से निकल रहा है, मैंने आपको वैसे चेक करना बताया है। बाकी लोगों का आंसर, ज्यादा आप लोगों का आंसर आया नहीं है वाला,
सब लोग आंसर दो भाई। सी सी सी। किसी का कोई और आंसर नहीं आया? देखो कैसे करना है, बताना है क्या? देखो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। बेटा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल का 3s2 3p1। और मैग्नीशियम का क्या होता है? 3s2। ये देखो स्टेबल, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद स्टेबल बनेगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। हमको इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात की है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद चेक करो। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद क्या होगा? 3s1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो मैग्नीशियम में क्या है, अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहा हूं, और यहां पर 3s1 ये अब बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसके बाद नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का ज्यादा है एल्यूमिनियम से। तो ये स्टेटमेंट, ये ऑर्डर सही है लेकिन हमको पूछा है इनकरेक्ट, ये गलत है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम के अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में जैसे ही जानते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो तुम्हारे पास मैग्नीशियम का ज्यादा होता है, सोडियम का कम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1, इसका 3s2। यहां पर फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट होगा, तो तुम्हारे पास इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन इनकरेक्ट पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब एक ही बचा, अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहां पर बोला है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन का, और इसमें क्या हो जाएगा? 3s1। अब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कहां से निकलेगा? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये वाला तुम्हारे पास बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि ये स्टेबल बनना चाहेगा। तो मैग्नीशियम का बोलता है कि ज्यादा है, तो ये गलत है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और मैंने लिखवाया था आपको सेकंड एक स्टेटमेंट कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा जंप किस में देखने को मिलता है? एल्कली मेटल्स में। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा जंप किसके अंदर देखने को मिलता है? सेकेंड और थर्ड में, आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या मैंने ये चीज बताई है आपको? हाँ, तो बस उसी स्टेटमेंट का ध्यान रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच स्पीसीज इज और आर पैरामैग्नेटिक। कौन सी पैरामैग्नेटिक है? ऑप्शन ए इज और आर बोला है मैंने तुम्हारे पास, नहीं चलो, फर्स्ट मैंने दिया Sr+2, सेकंड मैंने दिया आपको Fe+3, थर्ड आपको मैंने दिया है तुम्हारे पास Cobalt+2, फोर्थ मैंने आपको दिया है Sulfur-2-, एंड फिफ्थ मैंने आपको दिया है Pb+2। बताइए।
सर अगर हमें पूछा कि आयनाइजेशन एनर्जी टू ऑफ सोडियम एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थ्री कंपेयर करो तो कैसे करें? बेटा ऐसा नहीं देगा, टेंशन ना लो, ऐसा नहीं दिया जाएगा। और आयनाइजेशन एनर्जी थ्री तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होगी, ऐसा नहीं देगा। वही चीज देगा तो देखो, अगर ऐसा देगा तब आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी, तो फिर आपको वैल्यूज दे करके करने में फायदा ही क्या है? तब तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा भाई जवाब दीजिए सब लोग। बाकी लोगों का आंसर नहीं आया भाई अभी तक, केवल दो बच्चों का आंसर आया है, वो भी करेक्ट है कि तुम्हारा रॉन्ग है कुछ पता नहीं। आप बताओ प्लीज। नहीं बेटा, खुद से सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, ये आपका पुराना क्वेश्चन है। बहुत टाइम लग रहा है, फास्ट होना चाहिए, फास्ट हमको एग्जाम में फास्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ। अब बोलोगे सर हमको तो इनके एटॉमिक नंबर पता नहीं है, कितने लोगों को ऐसा दिक्कत आ रहा है? सर एटॉमिक नंबर याद करने में ही दिक्कत हो रही है इनको, इनका एटॉमिक नंबर क्या है? कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख के देख रहे हैं? टू थ्री टू थ्री टू थ्री। भैया बाकी लोग भी आंसर दो। ओंकार कब से तुम्हारा आंसर? जल्दी उत्कर्ष नागपुरे, नागपुरे तुम्हारा आंसर दे दो जल्दी। वीना, आदित्य डोसी जल्दी आंसर दो। नेहा डोक, प्रणव डोसी जल्दी आंसर दो। अच्छा सबने सॉल्व किया ना, ऐसे तो नहीं मार दिया टू थ्री टू थ्री टू थ्री।
गुड, चलिए देखें करें क्या। देखो आप ध्यान से, अब बोलोगे सर स्ट्रॉन्शियम, हम एटॉमिक नंबर याद करें उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो देखो अब मैं आपको बता दूं, मैं अगर रहूंगा आपकी जगह एग्जाम में तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं बस जानता हूं स्ट्रॉन्शियम है। स्ट्रॉन्शियम मतलब कहाँ का आता है बेटा? बेटा मांगे कार स्कूटर, मतलब कहाँ पे? सेकंड ग्रुप का। कहाँ का आता है? सेकंड ग्रुप। बेटा मांगे कार स्कूटर सेकंड ग्रुप का। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2। उससे पहले नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और NS2। क्या यही होता है? टेल मी। टेल मी, क्या यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? जो स्ट्रॉन्शियम है वो कौन से ग्रुप का है? कौन से ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का। और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2+2 है, मतलब ये NS के दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दो। अगर दो इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड, मतलब ये इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या है आपका? डायमैग्नेटिक। ये क्या है आपका? डाया मैग्नेटिक। चलिए उसके बाद मैं आता हूं पीबी के ऊपर। तो पीबी कहां पर आता है? देखो, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, यही होता है, मतलब पीबी है। ओके, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका? NH2NP2। पीछे में इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2। ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? बताया है क्या मैंने? अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स, PB+2 है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। ये लो, NP के दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। NP के दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद क्या बचेगा? इनर्ट गैस NS2। इनर्ट गैस में तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और NS2 है, मतलब एस में भी देखो दो इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम्हारे पास यहां पर भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये भी डायमैग्नेटिक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सल्फर 2-, सल्फर कहां? सल्फर का तो ये तो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर आप डायरेक्टली ध्यान में रख सकते हो, 16 होता है, 3s2 3p4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। -2 है इसका, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो क्या हो गया? 3s2 3p6। 3s2 3p6। तो तुम्हारे पास यहां पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर SR पैरामैग्नेटिक होता है ना? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? SR कहां से पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या चाहिए भैया? अमय, पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पैरामैग्नेटिक होने के लिए। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं Fe का। Fe+3। Fe का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d6 4s2+3 है इसका, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले 4s से, एक इलेक्ट्रॉन डी से, तो 3d5। d5 मतलब यहां पर इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, सिंपल एसआर का भी तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या है? NH2 है ना, NH2 है, तो एस में एक ही सबसे लो था। देखो वो भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर्ड होते हैं। ओके, तो अब देखो D5 बचा इसमें, D5 बचा मतलब पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना? 27। 30 तक तो याद रखने के लिए बोला ही जाता आपको। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना? 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज तुम्हारे पास आर्गन 3d7 4s2+2 है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स ये उड़ गए वैलेंस सेल के।
तो क्या बचा D7, D7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 5, 6 और ये 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब पैरामैग्नेटिक, तो सेकंड एंड थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। एवरीवन गॉट इट और नॉट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऑफ द फॉलोइंग विच वन डज नॉट, क्वेश्चंस करने हैं ज्यादा से ज्यादा तो फास्ट रहो थोड़ा। डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऑफ द फॉलोइंग विच वन डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऑप्शन ए मैंने दिया आपको BO3 थ्री माइनस कॉमा CO3 टू माइनस NO3 माइनस। ऑप्शन बी मैंने आपको दिया SO3 टू माइनस CO3 टू माइनस NO3 माइनस। ऑप्शन सी है आपके पास CN माइनस N2 C2 टू माइनस। ऑप्शन डी है आपके पास PO4 थ्री माइनस देन SO4 टू माइनस देन ClO4 माइनस। करिए सॉल्व। आंसर आने शुरू हो गए हैं। गुड गुड गुड। ऑप्शन बी 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 बी। अरे वाह, तुम लोग तो तेज आदमी हो सब लोग। गुड वाह, खुश कर दिया तुम लोगों ने तो। गुड। करें क्या सॉल्व? अगर मेजोरिटी का बी आंसर आ रहा है मतलब बी सही होगा, तो देख लेते हैं। 16, 18, 14, 6, 2, 8। हाँ बिल्कुल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सा नहीं है? तो ये तो मैंने कहां पे बताया था, आप लोगों को पढ़ाया क्या मैंने? ये बताओ कहां पढ़ाया था? नॉल कंसेप्ट के अंदर शुरुआत में पढ़ाया था। कुछ तो याद है। गुड। तो बाकी लोगों का आंसर आया क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है? हाँ सर ने ही पढ़ाया था।
तो कितने लोगों का इस क्वेश्चन में डाउट है, किसी को बताना है? अगर नहीं बताना है तो फिर हम अगला क्वेश्चन में जाएं। करेक्ट आंसर इज बी। किसी को बताना है तो जल्दी बताओ। BO3 थ्री माइनस का बताएं। देखो BO3 थ्री माइनस, बोरॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर 5। 5 प्लस ऑक्सीजन का 8, 8 इंटू 3, फिर माइनस 3 है मतलब प्लस 3, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो देखो अभी अगर ऐसा आ जाए ऑप्शन कभी भी, तो हमको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सब में ऑक्सीजन O3 तो सेम है, O3 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 सब में सेम है। नाइट्रोजन है 7, माइनस 1 है तो 7 प्लस 1 8। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 6 प्लस 2 इज 8। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 5 प्लस 3 इज 8, 8 8 8। सब में ऑक्सीजन सेम थे, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। CN माइनस 6 प्लस 7 तुम्हारे पास, सो 7 7 प्लस 14, यहां पर भी 14। फिर कार्बन में 6 होते हैं, दो कार्बन तो तुम्हारे पास 12 प्लस 2 14। फिर लास्ट वाले में देखो सब में ऑक्सीजन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्यों काउंट करें हम? क्लोरीन के अंदर होता है 17, माइनस 1 है, 17 प्लस 1 18। सल्फर होता है 16, 16 प्लस 2 18। फॉस्फोरस 15, 15 प्लस 3 18, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो यहां पर भी सेम, तो किसके अंदर सेम नहीं है? देखो यहां पर सब में ऑक्सीजन यहां पर भी सेम है क्या? तो नाइट्रोजन का 7 और ये 1 8, कार्बन का कितना 6 एटॉमिक नंबर, फिर प्लस 2 8, सल्फर का होता है 16 प्लस 2 तो तुम्हारे पास 18, तो यहां पर डिफरेंस हो गया। ये दोनों तो CO3 2 माइनस एंड NO3 माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट SO3 2 माइनस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दीज, तो करेक्ट आंसर इज बी। समझा क्या? सबने ऐसे सॉल्व किया था स्पीड में, गुड, स्पीड मैटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे पास कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जी, फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एंड बी। ए और बी दो तुम्हारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक, उनका आयनाइजेशन एनर्जी का मैं आपको टेबल बना के दे रहा हूं। ये तुम्हारे पास एलिमेंट है, यहां पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब IE1, ये है आपके पास IE2, यहां पे मैंने आपको दिया है IE3। एलिमेंट ए है उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 899 किलो जूल पर मोल, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज 1757 किलो जूल पर मोल, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज 14847 किलो जूल मोल पर मोल। ऑप्शन बी है आपके पास, सॉरी बी एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी है 737, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज 1450, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज 7731। चलिए अब मैं आपको करेक्ट ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए आपके पास है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना। बोथ ए एंड बी तुम्हारे पास बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप, और मैं लिख बोलूं कि वेयर ए कम्स बिलो बी। तुम्हारे पास ऑप्शन बी मैंने आपको दिया कि बोथ ए एंड बी बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि वेयर ए कम्स बिलो बी, ठीक है। ऑप्शन सी मैंने आपको दिया कि दोनों तुम्हारे पास बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, और मैंने आपको दे दिया कि वेयर बी कम्स बिलो ए, ठीक है। और ऑप्शन डी मैं दे रहा हूं आपको कि बोथ बिलोंग टू
ग्रुप टू वेयर ए सॉरी वेयर बी कम्स बिलो ए, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, गुड। वाह 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 वाह, टफ है क्या क्वेश्चन? क्या ये कंसेप्ट सिखाया है आपको? कंसेप्ट तो सिखाया है ना। अब बस आपको माइंड लगाना है कैसे अलग अलग क्वेश्चंस को घुमा सकता है एग्जामिनर। आंसर दीजिए सब लोग जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, बस कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, सब लोग आंसर नहीं दे रहे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से 20 बच्चों, 20 आधी 50% क्लास ने आंसर दिया, अभी सबका आंसर नहीं आया। देखिए आज कितने बच्चे एबसेंट हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है एबसेंट रहो। नेक्स्ट क्लास में भी मैं क्वेश्चन ही लेने वाला हूं एटॉमिक एंड मोल के। तो रिवाइज करना नोट्स। कल ना, हाँ कल। तो कितने लोगों कल लेक्चर? बिल्कुल है भैया, लेक्चर है, लेक्चर है, बिल्कुल है, लेक्चर तो रहेगा। कल सैटरडे है, संडे थोड़ी है, लेक्चर रहेगा। क्यों है? क्यों है बेटा, इसका जवाब तो नहीं है। क्यों है? क्योंकि पढ़ाना है, क्योंकि आपने फीस दी है तो पढ़ाएंगे, ऐसी छुट्टी तो नहीं देंगे। अब आप लोग ने एडमिशन लिया था, अब तो सिलेक्शन करवाना भी है ना, अब ये काम जिम्मेदारी हमारी है। नहीं चाहिए तो बताओ, वैसे सिलेक्शन नहीं चाहिए तो वैसे बताओ। क्यों सम्यक? कितने लोग आंसर आया डी? तो बिल्कुल सही है, ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर इज डी। जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ए के लिए फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज हुआ। ओके, बताया मैंने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। फिर सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में देखो, अचानक से खतरनाक जंप देखने को मिला, पता नहीं कितने गुना हो गई, लगभग 7 से 8 गुना तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। तो ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद तुम्हारे पास इसका वैलेंस सेल चेंज हो गया। क्या हो गया? वैलेंस सेल चेंज हो गया। ओके, इसके अंदर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एलिमेंट ए के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ऑप्शन बी, सॉरी जो एलिमेंट बी है, एलिमेंट बी के अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में जंप हुआ, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में यहां पर भी लगभग 5 से 6 गुना इंक्रीज देखने को मिला, खतरनाक जंप देखने को मिला।
खतरनाक जंप मिला, इसका मतलब यहां पर भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो, तो दोनों के अंदर दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे पहली बात तो ये दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है। अब सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ओके, ग्रुप कौन सा, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में खतरनाक जंप आया, मतलब ये तुम्हारा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मतलब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो जहां पे सेकंड ग्रुप का बोला है तो ऑप्शन ए और डी में ही करेक्ट हो सकता है, और बी और सी तो यहीं पर रिजेक्ट हो गए, राइट। अब ए ऊपर आता है कि बी नीचे आता है, देखो टॉप से डाउन ऊपर से नीचे जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तो ए एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बी का कम है, मतलब बी तुम्हारा नीचे आता है और ए ऊपर आता है। तो देखो बोथ बिलोंग टू ग्रुप टू वेयर बी कम्स बिलो ए, बी जो है वो ए के नीचे में आएगा, सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग हैज हाइएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, हैज हाइएस्ट कैरेक्टर, ऑप्शन ए मैंने आपको दिया है, एलिमेंट आपके पास है, एलिमेंट है पी, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिया है 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी मैंने आपको दिया, एलिमेंट है कोई क्यू, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी मैंने आपको दिया आर, एलिमेंट है आर और उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी इज योर एस, एलिमेंट एस और उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताइए फटाफट, टेल मी फास्ट। वाह 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 वाह, फास्ट फास्ट फास्ट, गुड 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 गुड, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, क्वेश्चन तुम लोग सोल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब पढ़ाई भी कर रहे हो, समझ में भी आ रहा है, भेजे में घुस भी रहा है। चलो हमको लग रहा था कि तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलिए बहुत बढ़िया। तो कल ही बताया था मैंने मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है, क्या होती है, कौन सी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है, और जिस एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, इसके लिए, राइट। तो ये तुम्हारे पास आंसर, देखो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देख रहे हो कितने फास्ट होते हैं, फटाफट बस तुमको बस याद होना चाहिए, फटाफट तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, सही कंसेप्ट लगाओ, हाँ अब कंसेप्ट अगर गलत लगा दोगे तब तुम्हारे क्वेश्चन तो गलत होने ही है, इसलिए बस नोट्स को अगर अच्छे से पढ़ो, नोट्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए और क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक एलिमेंट है कोई एक्स, ओके, उसका आप मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 1s2, 2s2, 2p6, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, 3s2, 3p4, ठीक, ओके। तुम्हारे पास कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर, चलो क्वेश्चन लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट P, which is
विच इज जस्ट बिलो द एक्स इन पीरियोडिक टेबल इज. ऑप्शन ए 24 एंड 6, ऑप्शन बी इज योर 24 एंड 15, ऑप्शन सी इज योर 34 एंड 16, ऑप्शन डी इज योर 34 एंड 8. यो टेल मी फास्ट. वाह पहला किसका आंसर आया. वाह टकले. गुड 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 गुड. काफी लोगों का आंसर सी आया है. 15-20 लोगों ने आंसर दे भी दिया. कमलेश सुनील पवार, बेटा अभी ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? एहसान क्यों करते हो मेरे ऊपर? एहसान मत किया करो, मैं दब जाऊंगा एहसानों के नीचे. कमलेश तुम्हारे पास इस वक्त जब क्लास एंड होने को आया है तब आप ज्वाइन हो रहे हो. चलिए सबसे पहले ये बताइए कोई जो की जो एलिमेंट है x उसका एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारे पास कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का. ओके इसका खुद का एटॉमिक नंबर है आपके पास 16 और इसके नीचे जस्ट है एलिमेंट p. p ब्लॉक का एलिमेंट है, p ब्लॉक का एलिमेंट है. ग्रुप कैसे निकालेंगे इसके? यहां पर 4+2 दैट इज कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो 10+6 तो इस एलिमेंट का ग्रुप तो कौन सा है? 16. तो आपके पास ऐसा ग्रुप वाला एक ही ऑप्शन है सी. बाकी एलिमेंट हम चेक करने की जरूरत भी नहीं है, एटॉमिक नंबर चेक करने की भी जरूरत नहीं है. बताइए इतना ऐसे गलती कैसे हो गई? अब हालांकि एटॉमिक नंबर मैं आपको बता दूं कैसे कैलकुलेट करना है. मैजिक नंबर थर्ड से फोर्थ में जाते हैं तो 18 ऐड करना पड़ेगा. 18+16 इज 34. तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी आ गया 34. तो देखो बिल्कुल सही मैच हो रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इफ इफ अफबाउ इफ अफबाउस प्रिंसिपल इफ अफबाउस प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल एंड हुंड्स रूल आर वर नॉट फॉलोड या फिर वर नॉट फॉलोड अगर उनको हम फॉलो नहीं करें वर नॉट फॉलोड तब तुम्हारे पास ऑप्शन ए पोटेशियम के would have been potassium would have been d block element would have been d block element and देखते हैं कितने लोग पहले सबसे पहले आंसर कौन देता है and paramagnetic option b copper cu would have been S block element. अब देखो जो रट के चला होगा उसको तो ये कुछ ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा. क्रोमियम तो ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक में चीजें याद करने वाली तो है ही, साथ में दिमाग लगाना भी पड़ता है. तो इनऑर्गेनिक भी इतना आसान नहीं है.
क्रोमियम वुड हैव बीन। बाकी केमिस्ट्री आसान है वैसे सबसे, कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री में, तो डी है आपका नन ऑफ दीज, डी इज नन ऑफ दीज। चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आंसर कौन देगा? बताइए भैया, आंसर नहीं आ रहा है। एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। ओहो, क्या सी सही है बेटा? नहीं पता मेरे को, मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा जब तक सबके आंसर नहीं आएंगे, उससे पहले रिवेल नहीं करूंगा। श्रावणी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रावणी चंद्र, क्या कहा, चंद्रकांता है क्या तुम्हारा नाम? बिल्कुल सही। अच्छा, श्रावणी पाटिल नाम है तुम्हारा। सर्वे 37 साल उनके, ए बी सी दिया है। नेहा ढोक ए बी सी। नाहिद नसरुद्दीन खेमे ए बी सी। ओहो, पता है ऐसे क्वेश्चन जब, यही तो डिफरेंस है। देखो एडवांस में आपके पास एक सब ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो ऐसे में आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। एसीबी बेटा, एबीसी बोल देते क्या विवेक दादा? यस, एबीसी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, एंड सी भी सही है। ए बी सी इज योर करेक्ट आंसर। बताना है क्या? यस। देखो, पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर है 19। अब बोल रहा है ना तो बो रूल फॉलो करो ना हुंसूर, तो भैया सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं 1s के अंदर, n इक्वल्स टू 1 में। n इक्वल्स टू 1 में s सबसेल है, उसमें भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर p n इक्वल्स टू 2 में, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को पहले भरते, फिर इलेक्ट्रॉन्स भरते किसमें, 2p में। फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर n इक्वल्स टू 3 में इलेक्ट्रॉन जाता, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता 3s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाता 3p में। ये लो 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18। अब आगे की n प्लस एल रूल को अगर फॉलो करते तो इलेक्ट्रॉन 4s में जाता, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया कि अबव प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करना, अबव प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करना, तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में। कितना इलेक्ट्रॉन, एक। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, डी ब्लॉक, डी सबसेल में। तो ये एलिमेंट किसका होता, डी ब्लॉक का। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में, देखो अब एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक भी है। चलो, तो पहला ऑप्शन सही है, 29। देखो, फिर तुम्हारे पास ऑप्शन बी की बात करें, कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते,
अगर अकबर रूल को फॉलो नहीं करते तो पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर लिखते 3d10। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए? 10, ये 18 हो गए। 18 प्लस 10 इज 28। अब इलेक्ट्रॉन जाता 4s में, तो देखो 4s1, ये 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब तुम्हारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? s में, तो s ब्लॉक का एलिमेंट होता। बात कर रहा है क्रोमियम की, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। 24 तो इसका 1s2, 2s2 भरते, 2p6 भरते, फिर 3s2 भरते, 3p6 भरते, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए? 18 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं, मतलब 3d6। लेकिन अब यहां पर बोला कि वुड हैव बीन डायमैग्नेटिक। चेक कर लेते हैं 3d में, इससे पहले वाले तो पूरे के पूरे भर चुके हैं, इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब 3D में, अब हंस रूल को फॉलो करते हैं तो हम ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं हर एक ऑर्बिटल में, लेकिन हंस रूल फॉलो ही नहीं करना है, मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन पेयर करते जाना है। ये लो, अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर करते जाना है, अगर हंस रूल फॉलो नहीं करना, तो तुम्हारे पास अब एक एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा क्या? नहीं बचा, मतलब ये डायमैग्नेटिक। तो इस ऑप्शन सी भी करेक्ट है। समझे क्या बालक? बोलो। ओके हाँ सम्यक बोलो, डाउट है कोई? सम्यक कोई डाउट नहीं? चलिए देखिए, अब एक काम करो, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क सुनो, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क, जो तुम्हारा बुकलेट है, बुकलेट के अंदर से एक्सरसाइज 1 में सेक्शन सी एंड डी पार्ट 1 एंड 2 में जो सेक्शन डी है और सेक्शन डी जो सेक्शन सी और डी है, ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं, मैं कल डिस्कस करूंगा। ओके, और फिर इसके बाद आगे के मैं और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कल। कल हम फिर मोल और उन सब के एटॉमिक, इन सब के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जरूरत है क्या प्रैक्टिस करवाने की? देखो सब बैठे हैं, तैयार बैठे हैं सब। ओके गुड नाइट। वैसे मैं तो अभी उठाऊं, वापिस सोने जा रहा हूं। चलो गुड नाइट। ओके टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ो, मेरे को 100 out of 100 चाहिए मार्क्स। बाय।